हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रितेश महापुरी। जय श्री कृष्ण। केम छो मजामा। ओके, तो आज श्री कृष्ण भगवान की जो पगड़ी है उसमें शेडिंग करेंगे। पेंसिल ले रहा हूँ मैं, डबल ही पेंसिल। जितनी भी लाइनिंग्स है वो मैं डबल ही पेंसिल से करूँगा। पेंसिल प्रेस करके लाइनिंग नहीं करना है, लाइनिंग भी शेडिंग में ही करना है। तो मैं हल्के हाथ से पेंसिल साफ करके ये सब लाइनिंग कर रहा हूँ। लाइनिंग भी आप देखोगे तो कुछ ब्रॉड है, कुछ थिन है, पतली है, और कुछ पे डार्क है, कुछ लाइट है। तो उसी तरीके से यहाँ पे मैं पेंसिल चला रहा हूँ। ये बहुत ही मायने रखता है, ये आप करोगे तभी पगड़ी का जो कपड़े का फोल्ड है और जो शाइन है वो दिखेगा। एक्चुअली ये पिक में बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बिकॉज ये डार्क पिक्चर है तो डार्क पोर्ट्रेट एक हो जाएगा, फिर कपड़े का फोल्ड है तो क्लोथ का भी सीखने को मिल जाएगा, और फिर ये थोड़ा डायमंड जैसा ये एक ब्रज लगा हुआ है तो उसमें भी ज्वेलरी भी सीखने को मिलेगा, और ये मोर पंख है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मैं उसके लिए एक्साइटिंग हूँ, क्योंकि मैं वो फर्स्ट टाइम बनाऊँगा और क्योंकि रियलिस्टिक बनाना है तो मज़ा ही आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे जितनी भी लाइंस है वो मैं डबल ही पेंसिल से कवर कर रहा हूँ, और वो मैं वापस आपको बता दूँ कि मैं कई जगह पे प्रेस कर रहा हूँ, कई जगह पे नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अब ले रहा हूँ पेंसिल ब्लैक शेडलर 2B, और छोटा है तो पेंसिल एक्सटेंशन कंपलसरी। पेंसिल को पीछे से पकड़ना है और हल्के से शेडिंग करना है। क्लोथ कर रहे हैं मीन्स पगड़ी में कपड़ा है तो बहुत ही ज़्यादा लेयर करने पड़ेंगे, और पेंसिल प्रेस कभी मत कीजिएगा क्योंकि कई बार क्ले इरेजर से लाइट निकालना पड़ेगा, वही जगह पे वापस डार्क करना पड़ेगा, वापस लाइट डार्क टिश्यू या फिर ब्रश, बार बार ये सब कंटिन्यू एक के बाद एक यूज़ करते रहना पड़ेगा, तब जाके वो क्लोथ का जो भी शाइन है वो आएगा और मोल्डिंग दिखेगा।
ओके, तो मैं इसको मिक्स करने के लिए ले रहा हूँ मेकअप ब्रश। मेकअप ब्रश को आपको कहाँ कितना आपको किस तरीके से उसको यूज़ करना है वो मैं आगे के वीडियो में बता चुका हूँ। ओके, तो वापस 2B पेंसिल ही ले रहा हूँ, सेकंड लेयर भी उसी से मैं करूँगा। ओके, तो इसको भी मैं मेकअप ब्रश से ही मिक्स करूँगा। ओके, पेंसिल ले रहा हूँ डबल ही, लेफ्ट हैंड साइड पे जो फॉरहेड और पगड़ी के बीच में जो लाइन जा रहा है वहाँ पे थोड़ा शेडिंग करना पड़ेगा ताकि वो लाइन हार्ड ना दिखे। इसको भी मेकअप ब्रश से मिक्स करना है। ओके, तो मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ टिप्स देता हूँ। तो आज मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो यह है कि जब आप किसी का भी पोर्ट्रेट बनाते हो तो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड
यानी कि तीन लेयर तक आपको अच्छा नहीं दिखेगा। तो मैंने कई मेरे स्टूडेंट का भी देखा है और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि तीन लेयर या चार लेयर मैक्सिमम करने पर सबको लगता है कि पिक कंप्लीट हो गया है, बट ऐसा नहीं होता है। तीन लेयर चार लेयर करोगे उसके बाद आपका अच्छा बनने का शुरू हो जाता है। तो तीन लेयर चार लेयर के बाद ही आप एक्सपेक्टेशन रखें कि आपका वर्क अच्छा होगा। उससे पहले आपको खुद को भी पसंद नहीं आएगा कि आप क्या ये हो नहीं रहा है या फिर बन नहीं रहा है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए और लेयर वाइज काम करते जाइए और ये अच्छा बनेगा ही। इसमें जहाँ पे भी डार्क है तो वहाँ पर डार्क रहेगा, बट लाइट निकालने के लिए आपको क्ले इरेजर का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप पेंसिल इरेजर से करोगे तो पूरा वाइट निकल जाएगा। तो क्ले इरेजर क्लोथ और कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, चिक्स का पार्ट होता है, तो उसके लिए क्ले इरेजर बेस्ट है। ओके, तो मैं इस बार स्टम्प का यूज़ करूँगा। क्लोथ बनाने के लिए आपको सारे के सारे ब्लेंडिंग टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे, मीन्स ब्रश है, स्टम्प है, टिश्यू है, और जहाँ जिसकी रिक्वायर्ड हो, आपका प्रेशर आप कितना दे रहे हो, आप कितना कौन सा पेज ले रहे हो, उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड रहेगा। तो जो जो जहाँ जहाँ जैसे जैसे आएगा मैं उसका यूज़ करते जाऊँगा। यहाँ पर इसमें कितना जगह ऐसा भी है जो खाली पाउडर से ही हो जाएगा, और पाउडर और ब्रश से बनाएंगे। तो आगे आगे देखते हैं क्या कैसा यूज़ होता है, क्या कैसा बनता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लाइट भी दिख रहा है, तो उसके लिए मैं ले रहा हूँ पेंसिल इरेजर। ओके, अभी ले रहा हूँ मैं मेकअप ब्रश। मेकअप ब्रश एक ऐसा टूल्स है जो आपकी लाइनिंग भी रहने देगा और अच्छे से स्मूथ शेडिंग भी कर लेगा। ओके, तो अभी ले रहा हूँ ब्लू स्टेलर का HB पेंसिल, और सैंड पेपर पे मैं उसका पाउडर बना के यहाँ पे यूज़ करूँगा। राइट हैंड साइड पे आप देखोगे तो ऊपर की साइड पे और नीचे बहुत ही लाइट एरिया है, तो लाइट एरिया है तो पाउडर से कवर हो जाएगा। तो मैं फर्स्ट लेयर पाउडर से ही करूँगा। मैं हर बार बोलता हूँ कि आप
ब्लेंडिंग टूल्स यानी कि मेकअप ब्रश, टिश्यू और पेपर स्टम्प आप किस तरीके से अप्लाई करते हो उस पर काफ़ी डिपेंड रहेगा। तो यहाँ भी ऐसा ही है, ये ब्रश कहाँ कितना घुमाना है, मीन्स पाउडर आप जब फर्स्ट टाइम ले रहे हो तो पहले डार्क एरिया पे अप्लाई करना है, फिर लाइट एरिया पे वहाँ पे घुमाना है, और कहाँ कितना ज़्यादा घुमाना है कम घुमाना है वो आपको पिक में देख के अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैं जहाँ मुझे डार्क दिख रहा है यानी कि शेडो जैसा दिख रहा है, डार्क तो नहीं बोल सकते पर शेडो दिख रहा है, वहाँ पे मैं पहले ही जो ब्रश में लिया हुआ पाउडर है वहाँ पे पहले मैं यूज़ करूँगा ब्रश, और बाद में उसके बाद में धीरे धीरे लाइट करते जाऊँगा। ओके, तो मैं ले रहा हूँ अभी पेपर स्टम्प। पेपर स्टम्प से मैं यहाँ पे जितनी भी लाइनिंग है पगड़ी में उसके ऊपर इसको घुमा रहा हूँ, बिकॉज़ ये जितनी भी लाइन है वो अभी हार्ड है, आप इस पर घुमाओगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। ये बहुत ही ज़रूरी है, ये नोट करने वाला पॉइंट है। तो जो भी लाइनिंग वर्क होता है उस पर मैं एक बार पेपर स्टम्प ज़रूर घुमाता हूँ। ओके, तो अभी मैं क्ले इरेजर का यूज़ करूँगा, जहाँ भी लाइट मुझे दिख रहा है वो मैं क्ले इरेजर से निकालूँगा।
ओके, तो मैं पेंसिल इरेजर का यूज़ करूँगा। यहाँ पे लाइनिंग के नीचे एक लाइट आती है, तो वो हम क्ले इरेजर से नहीं कर सकते, इसीलिए पेंसिल इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो वापस क्ले इरेजर। ओके, तो अभी ले रहा हूँ मेकअप ब्रश। मैंने बोला था कि बार बार हमको यहाँ पे अलग अलग ब्लेंडिंग टूल्स और अलग अलग पेंसिल्स यूज़ करनी पड़ेंगी, तो आपको जिस तरीके से आपको लगे आपको बारी बारी वो यूज़ करते रहना है और बदलते रहना है। ओके, तो अब ले रहा हूँ मैं पेंसिल ब्लू स्टेनलर HB। आप देखोगे तो यहाँ पे जितने भी कोने हैं वहाँ पे थोड़ा डार्कनेस बढ़ाना पड़ेगा, तो वो ब्लू HB से कर रहा हूँ। ओके, तो इसको भी ब्रश से मिक्स करूँगा। वापिस ले रहा हूँ क्ले इरेजर। वापिस ले रहा हूँ ब्रश। ओके, तो मैं वापिस ले रहा हूँ 2B, और आप देख रहे हो कि बार बार पेंसिल चेंज कर रहा हूँ और ब्रश का भी यूज़ कर रहा हूँ, तो ये बार बार आपको रिपीट करते रहना है। ओके, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।